Hey you people, welcome or welcome back to my channel. It's me Rajita and you're watching That Glam Girl Rajita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you can notify and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the video. You know what guys, काफी दिन हो गए थे मैंने बिल्कुल भी ना शॉपिंग नहीं की थी और जब तक शॉपिंग नहीं करती ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे लगता है कि क्या नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो ट्राई करना बनता ही है. मैंने अमेजोन से कुछ शॉपिंग की और सोचा कि वो शॉपिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ. तो हर बार तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हॉल, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं ना कुछ थीम बेस्ड चीजें ऑर्डर करूंगी जिससे आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी. सो मैं रेडी होने वाली हूँ हेड टू टो अंडर ₹1499. यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, यही है आज के वीडियो की थीम. तो आप हेड टू टो कैसे रेडी हो सकते हो विंटर्स में स्पेशली, सो वो मैं चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो बिना देरी करते हुए ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है जिससे आप हेड टू टो रेडी हो सकते हो और आपको ना इससे बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज मिल जाते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप कैसे अपने आप को स्टाइल कर सकते हो. रेडी तो सब हो ही जाते हैं बट स्टाइल करना इज समथिंग डिफरेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ. आई शॉप नाउ टू गेट अप टू 70% ऑफ ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स, ऑल्सो एक्स्ट्रा 10% कैश बैक, यस फॉर प्राइम कस्टमर, सो शॉप नाउ. तो गाइस, सबसे पहले है मेरे पास ये जैकेट. आप देख लो कितनी ज्यादा सुंदर जैकेट है और यहाँ पे है इसकी ये कैप, बहुत ही प्यारी सुंदर सी कैप है. ये वूलन है और बहुत अच्छे से ना आपको सर्दी से भी बचाएगी. और इसका कलर अगर आप देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा सा वीवा मेजेंटा कलर है और ये कलर है कलर ऑफ द ईयर का. तो उसी से इंस्पायर होकर ना मैंने ये वीवा मेजेंटा कलर लिया है. मैंने सोचा कि जब ये कलर ऑफ द ईयर है तो एक ना एक चीज तो अपने पास होनी बनती है ना, तो इसके लिए मैंने ये ले लिया. एंड सच में बहुत ही अच्छी कोजी कोजी जैकेट है. सो इस टाइप की स्लीव है इसका, ये पफी जैकेट है, बहुत ज्यादा प्यारी लगी. और ये फर वाली इसकी कैप है और ये ना यहाँ से डिटैच भी हो जाती है. सो अगर आप इसको यहाँ से अलग करना चाहते हो ना तो गाइस आराम से ये देखो ये अलग हो जाती है. अगर आपको पहननी आप पहन सकते हो, नहीं पहननी आप नहीं पहन सकते हो, उसको सेपरेटली भी आप पहन सकते हो. और ये फट वाली चीज है ना सच में बड़ी ज्यादा क्यूट लगती है. मैं आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी, इतनी ज्यादा सुंदर इतनी प्यारी लग रही है ना. कलर तो मेरा फेवरेट है. और यहाँ पे है इसकी जिप, दोनों साइड आपको जिप मिल जाती है. और बैक से इस टाइप की है, प्लेन ही है. और अगर अंदर से मैं इसको दिखाऊं ना आपको, काफी ज्यादा ये वॉर्म है, बहुत ही ज्यादा ना सॉफ्ट कपड़ा है. आपको पहन के बहुत मजा आएगा. मैं तो आजकल इसे ही इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि इतनी कोजी जैकेट मुझे सच में चाहिए ही थी. ये है ओ यस ब्रांड की. अगर आपको चेक करनी है ना गाइस तो चेक कर लेना. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना हेड टू टो मैं कैसे रेडी हुई हूँ, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ना आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से चेक जरूर कर लेना. और ये शॉपिंग की है मैंने अमेजोन से, पता है अमेजोन पे इजी रिटर्न हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, वैरायटी इतनी सारी होती है, ऑफर्स लगे रहते हैं. सो शॉप करना ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. इतने सारे ब्रांड्स रहते हैं अमेजोन पे कि आपको सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है. और ये जो कलर है ना ये मैं सच में ढूंढ रही थी क्योंकि ईयर ऑफ द कलर है, ये मुझे मिल नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू चेक अमेजोन क्योंकि वहां पे तो सब कुछ मिल ही जाता है, आपको कुछ भी लेना हो ना. बट इस बार मैंने लिया है कपड़े अपनी थीम के अकॉर्डिंग, तो आप भी एक बार चेक जरूर कर लेना. और नेक्स्ट मैंने लिया है ये डेनिम, बहुत प्यारा कलर है इसका. डेनिम लिया है मैंने, मुझे काफी अच्छा लगा. मुझे लगा कि जब ठंडी होती है ना तो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक हमें चाहिए होता है, ये थोड़ा सा ना आपको मोटे में मिल जाता है. एंड ट्रस्ट मी काफी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है, कलर बहुत ज्यादा सुंदर है. फ्रंट से ये कुछ इस टाइप की है, बॉटम इसका बिल्कुल प्लेन है, कोई इस पर डिजाइन नहीं. और बैक से भी ना ये कम्प्लीटली प्लेन है सब, बस इसमें दो पॉकेट लगी हुई है और फ्रंट में भी इसकी दो पॉकेट है. इसकी जो क्वालिटी है ना वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है. तो ये वाला जो फैब्रिक होता है ना ये मुझे काफी पसंद आता है, इसकी फिटिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है. तो इसे मैंने साइज लिया है 30, तो आप अपने साइज का देख लेना. इसमें ना आपको ढेर सारे साइजेस मिल जाते हैं, कलर मिल जाते हैं, इसके साथ बहुत कुछ चीजें हैं जो आप पेयर कर सकते हो उसके साथ. तो ब्लैक हो, डार्क ब्लू हो, ग्रे हो, कुछ भी हो ना, सब बहुत सुंदर लगता है. इवन रेड कलर भी बहुत ज्यादा प्यार लगेगा. बट मेरे पास तो है वीवा मेजेंटा जो कि मैं कैरी करने वाली हूँ, इसके साथ स्टाइल करने वाली हूँ. सो आप देखना आपको कौन सा लेना है. और मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक ना एक चीज आपके पास भी कलर ऑफ द ईयर तो होनी ही चाहिए. सो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को. जब हम बात करते हैं ना हेड टू टो लुक की तो काफी सारी चीजें आ जाती है और हर छोटी छोटी चीज हमें ध्यान भी देनी पड़ती है. सो नेक्स्ट है गाइज मेरे पास ये, तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है. सो यस गाइज, आप सबने सही से गेस किया है ये बहुत अच्छे से कि ये है ग्लव्स. जो ग्लव्स ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये लिए है मैंने ग्लव्स. इनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, वुलन ग्लव्स है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जब सर्दी होती है ना हाथ हमारे बिल्कुल ना
फ्रीज हो जाते हैं, जैम हो जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ना सर्दियों से प्रोटेक्ट करता है और हमारे लुक को इनहेंस करने में भी ना ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। प्राइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, तो आप चेक जरूर कर लेना। और इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे हम पहनते थे ना जिसमें हमें मम्मी सिल के देती थी, बिल्कुल उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा बारीक स्टिचिंग है इसकी। सो आपको ये पसंद जरूर आएगा, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे ये रॉयल ब्लू कलर और यहाँ पे ये ग्रे, बहुत ही ज्यादा कोजी है, ये कुछ इस टाइप का है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कोजी है, मुझे सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये ना आपको अच्छे से ना गर्मी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, क्योंकि जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, मेरे यहाँ तो सर्दी हल्की फुल्की है, पहनेंगे तो भी चलता है, नहीं पहने तो भी चलता है, बट आपके लिए बता रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बट जब मैं बाहर जाती हूँ ना शाम के टाइम, तो मैं भी अपने आप को इसी तरीके से स्टाइल करती हूँ। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बनता है कि किस तरीके से आप विंटर्स में भी ना ज्यादा क्लासी लग सकते हो इस टाइप के स्टाइलिंग टिप्स से। नेक्स्ट है गाइज मेरे पास ये हेड कैप, ये भी ना आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बिल्कुल इसी के मैचिंग का है। सो इस दोनों को आपको पहनना है एक ही साथ, और ये एक ही साथ रिसीव हुआ था, तो ये एक सेट है पूरा, इसको ना एक बार चेक जरूर कर लेना गाइज। ये भी बहुत ज्यादा प्यारी और कोजी कोजी टोपी है गाइज, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, ये कलर ना बड़ा ही प्यारा और सबके साथ चला जाता है। विंटर्स में ना वैसे भी हमें इस टाइप के जो डार्क कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ना बहुत सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो गर्मी ना ये हमको देते हैं जो सर्दियों में ना हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो वो ये गर्मी प्रोवाइड करवाती है, तो इसको भी चेक जरूर कर लेना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। नेक्स्ट है मेरे पास सॉक्स का सेट, तो सॉक्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पैरों में ठंडी भी तो लगती है ना। है तीन सॉक्स मिल जाती है आपको, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, ये भी आपको काफी पसंद आएंगी, कोजी कोजी रहती है टाइप की, इसको कोई भी पहन सकता है, मेन वीमेन किसी के लिए भी ना बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, और सर्दियों में इस टाइप की अच्छी रहती है, क्योंकि एंकल लेंथ में तो फिर से आपको ठंड लगेगी लगेगी, कम से कम इस लेंथ की होगी तो आप ठंडी से भी बच पाओगे, फैब्रिक काफी अच्छा है, गर्म है, कोजी है, और कलर भी ना इस टाइप की है कि आप इसे कभी भी कहीं भी पहन सकते हो। फटाफट से कमेंट डाउन बिलो की क्या आपको लगता है कि लुक कंप्लीट हो गया है, बस इन सब चीजों से हम रेडी हो गए बाहर जा सकते हैं या नहीं, आप सोचो और कमेंट करो। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं भाई, अभी लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बची है हमारे पास एक और चीज दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भाई साहब सर्दी का जो लुक है ना, जो विंटर स्टाइलिश लुक है, वो आपका पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी थीम है हेड टू टो, तो हेड से लेकर तो हम आ ही गए हैं, बट अभी हमारे जूते रहते हैं गाइस, किस तरीके से स्टाइल करने वाली हूं मैं। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास जूते, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं सर्दियों में, सो ये लिए हैं मैंने, ये कैंपस ब्रांड के हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ऑफर डील सब लगे रहते हैं गाइस, फटाफट से ले लेना, साइज अगर आपको फिट नहीं आता इजीली एक्सचेंज हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, टेंशन ही नहीं है, बस आपको लेना है, अच्छा कलेक्शन अपने पास रखना है, मैं तो यही चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा ना क्लासी लुक देता है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, चलने वाला भी है, क्योंकि ऐसा एक जूता ना मेरे पास पहले भी था, क्योंकि इस टाइप के अफोर्डेबल रेट में ना ऐसी वाली क्वालिटी आपको हर एक जगह पे नहीं मिलती है, मुझे लगा कि मुझे एक और लेके स्टॉक अप करके रख लेना चाहिए, और आपको तो पता है कि मुझे ना स्टॉक करके रखने की बहुत ज्यादा आदत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाद में नहीं मिला तो, इसलिए मैं काफी सारी चीजें लेकर रख लेती हूँ। तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, यहाँ से इसमें लगी हुई है मेमोरी फॉर्म, तो इससे जो आपके पैर होते हैं ना, जो एड़ियां होती है, उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है, दर्द नहीं होती है, आप आसानी से वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, इवन आप जिम में भी इनको पहन सकते हो, बहुत ज्यादा परफेक्ट है ये, और विंटर के लिए तो 100% अप्रोप्रिएट है, और ऐसा नहीं है कि आप चलोगे तो स्लिप हो जाएंगे, बिल्कुल स्लिप नहीं होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है इन शूज के साथ, और भी मेरे पास काफी सारे शूज हैं, बट जो नए लिए थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इसको गाइज एक बार चेक जरूर लेना, काफी ज्यादा अच्छी है, और इसके लेसेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, शाइनी ग्लिटरी हैं, बट वो ग्लिटर नहीं है जो जनरली हम यूज करते हैं, निकल जाता है नहीं है, बट थोड़े हल्के ना ऐसे शाइन का टच दे रखा है, तो बहुत सुंदर लुक आ रहा है इसमें। सो लुक तो इसका वैसे ही बहुत अच्छा, और लड़कियों को ना इस टाइप के जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ब्लैक कलर का शू है, और उसके ऊपर पिंक और सेज ग्रीन कलर की जो डिटेलिंग हुई है ना, सच में अमेजिंग लग रही है, और प्लस पॉइंट बताऊं ये ना इस टाइप का है कि बहुत जल्दी गंदा नहीं होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, आजकल जो हम शूज लेते हैं, स्नीकर्स लेते हैं, वो आते हैं व्हाइट बेस के, बट व्हाइट ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बट ये मुझे मिला डिफरेंट थोड़ा सा ब्लैक और कलर्ड वाला, तो मैंने सोचा कि इसको स्टॉक अप करना बनता ही है। अमेजिंग डील और ऑफर्स का फायदा उठा लो, अमेजोन से शॉप कर लो, सारे ही प्रोडक्ट के ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और ये जो लुक है ना आपको हेड टू टो लुक, ये आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। सो चलिए चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।